इसलिए कहते हैं ना कि जब दुख आए तो हारो मत, क्योंकि ये भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, लेकिन वही जब सुख के दिन भी आए तो घमंड मत करो, क्योंकि ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ये जीवन की सच्चाई है। कहते ना कि भगवान ने, अर्जुन और भगवान के बीच वार्तालाप होता है कि कुछ एक ऐसी पंक्ति बताओ जिसको सुनकर दुख भी हो और खुशी भी हो। पंक्ति क्या थी? ये समय चला जाए। अब जो दुखी है वो ये सुन के खुश हो जाएगा कि मेरा दुख जाएगा, लेकिन जो सुखी है, जिसका जीवन अच्छा चल रहा है, वो तो डर जाए ये समय क्यों जाएगा भाई, अच्छा चल रहा है मेरा समय तो। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि ये समय चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब सातवां दिन आ जाएगा। आज आपको लग रहा है कि पहले समय इतनी जल्दी निकलता है कि पहला दिन है, हम आज आए हैं, अभी तो 7 दिन बचे, कब सातवां विराम दिवस होगा और हम एक दूसरे को कर रहे होंगे कि चलिए भाई चलते हैं। इसीलिए समय निकलता जा रहा है। इसी समय में आपको भगवान को समझना है, भगवान से जुड़ना है। वो तभी जुड़ सकते हैं जब ये जानेंगे कि भगवान के अलावा और कुछ भी सच नहीं है। आनंद, आनंद क्या है? हम बड़ा आनंद बाहर खोज रहे हैं, यहां चले जाए तो आनंद आ जाएगा, ये देख ले तो आनंद आ जाएगा, इससे मिल ले तो आनंद आ जाएगा, यहां घूम आए तो आनंद आ जाएगा। ये सब कुछ देर के आनंद है। ऐसा क्यों है कि हमारे पास इतना कुछ है फिर भी हमें हर कुछ समय में कुछ नया चाहिए? और वही जो संत या वैरागी है, जो जंगलों में तपस्या करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो खुश है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचान। उनको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत, और हमको तो हर चीज के लिए किसी की जरूरत है। खुश रहने के लिए जरूरत है, दुखी रहने के लिए भी जरूरत है, क्रोधित होने के लिए भी जरूरत है, हर चीज के लिए हमें जरूरत है। यानी हमने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरे को देकर रखा है कि खेलो। जैसे टीवी का रिमोट है ना, आप अपने हिसाब से चैनल लगाते हो, आज भाई न्यूज देखने का मन है तो न्यूज का लगाओ, आज पिक्चर देखने का मन है तो पिक्चर लगाओ। वैसे हमने दूसरों को देके रखा है, दूसरे कहेंगे चलो आज इसको गुस्सा दिलाते हैं, तो वो थोड़ा 2-3 बात आपसे कह देगा, हाँ भड़बड़ा, फिर वो कहेगा आज गुस्सा नहीं, आज थोड़ा इसको दुखी करते हैं, थोड़ा आपकी बुराई कर देगा,